लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। थाने के बालकुम की सई पाटिल ने 4000 किलोमीटर का साइकिल यात्रा कर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर ली है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक साइकिल यात्रा पर निकली सई पाटिल का पनवेल में स्वागत किया गया। इस अवसर पर थाने के पूर्व सांसद संजीव नाइक ने सई पाटिल के हौसले को सलाम करते हुए उनके नए रिकॉर्ड के लिए शुभकामनाएं दी। देखे वो कहते हैं कि मन में ठान लें तो सफलता कदम चूमती है। थाने बालकुम की नन्ही परी सई आशीष पाटिल ने इस कहावत को सच कर दिखाया है। बेहद कम उम्र में 2000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पूरी कर चुकी सई पाटिल अब कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर निकली हैं। आज पनवेल पहुंचने पर महापौर कविता चौतमोल और उपमहापौर जगदीश गायकवाड़ एवं पूर्व सांसद संजीव नाइक ने सई पाटिल का सत्कार किया और उनके हौसले की दाद दी। इस अवसर पर थाने के पूर्व सांसद संजीव नाइक और खुद सई ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। आज या ठिकाणी सईच्या ह्या सुंदर अशा उपक्रमाला आपण शुभेच्छा देऊया सर्वजण। ती खूप लहान आहे, परंतु लहान असताना सुद्धा तिचा जो संदेश हा खूप मोठा आहे आणि हा संदेश घेऊन भारतातले सर्व नागरिक तिला प्रोत्साहन देतील। तिच्याबरोबर तिचे वडील या ठिकाणी तिच्या पाठीमागे आहेत, आपण सर्वजण तिच्या पाठीमागे आहोत। तिचा हा तिची ही यात्रा सुरक्षित आणि सुस्थितीमध्ये व्यवस्थित व्हावी अशी आपण तिला शुभेच्छा देऊ। आणि काश्मीर ते कन्याकुमारीचा प्रवास झाल्यानंतर एक नवीन विक्रम होणार आहे, त्या विक्रमाची सर्व नोंद होईल आणि त्याच्यासाठी आपण सर्व वाट बघूया। सर्वांच्या वतीनं आपण तिला शुभेच्छा देऊ, खूप खूप शुभेच्छा। आता मी काश्मीर टू कन्याकुमारी 4000 किलोमीटरची राईड करते। मला 2000 किलोमीटरचा टप्पा पार झाला आणि मी अजून 2000 किलोमीटर करणार आहे आणि मी हा संदेश म्हणजे देत जाणार आहे। मुलगी वाचवा, मुलगी शिकवा, झाडे लावा, झाडे जगवा आणि प्लास्टिकचा वापर टाळा। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।